हुड्डा जी हैं, दीपेंद्र जी, दो दिन से आप कृषि कानूनों को लेकर के मामला उठाना चाहते हैं, क्या हुआ आज? आज भी मामला आपको समय नहीं, आज नहीं मिला, कल भी हम जैसे ही हमने मैंने कहा किसान के मुद्दे पे कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया 267 जिसमें कम से कम बात सुनी जानी चाहिए उसके बाद फैसला करें सभापति महोदय, मगर कल भी जब हम खड़े हुए तब उसको खारिज कर दिया गया। आज भी विपक्ष की तरफ से मेरे को जिम्मेदारी थी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की, मगर जैसे ही हमने प्रयास किया माननीय सभापति महोदय ने वो नोटिस खारिज कर दिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष एक स्वर में खड़ा हो गया और किसान के हक में जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार आज भी अहंकार में दिखाई दे रही है, 8 महीने हो गए, 400 किसानों की जान कुर्बान हो गई, अभी हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, मगर सरकार उनसे बातचीत करना भी ठीक नहीं समझ रही। तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है इतने राज्यों में हार गए फिर भी आपकी नींद नहीं टूटी, आप नकारात्मक राजनीति करेंगे। अभी आपने जो है नतीजे देखे, हम भी कह सकते हैं कि आप बंगाल में हार गए, हम भी जो है कह सकते हैं आप तमिलनाडु में हार गए, हम भी कह सकते हैं कि आप केरल में हार गए, तो ये हार जीत एक राजनीति का एक मैं जो पूरा विपक्ष जो आज मुद्दा उठाना चाह रहा था वो किसान का मुद्दा राज्यसभा में उठाना चाह रहा है, क्या वो मुद्दा आज खड़ा नहीं, क्या संवेदनशीलता इस सरकार में इतनी संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, किसान को बुला के बातचीत करें, किसान की बात सुनने का आपके पास समय नहीं और आप फोन टैपिंग की एक एक की बात सुनने का आपके पास पूरा समय